हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कॉल टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें, मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूँ आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए, आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। निफ्टी जो है मींस अपकमिंग डेज के अंदर ऐसा मूव पॉसिबल है, अपकमिंग डेज एंड अपकमिंग वीक्स के अंदर। अब ये ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड होगा ये वाला जान लेते हैं। जैसे आज मैं आपके साथ बीच में आया, ऐसे जब तक मैं ब्रेक पे नहीं जाता तब तक मैं ऐसे बीच बीच में आता रहूंगा, फिर 11 से फिर हम अगेन नया बैच स्टार्ट कर देंगे। हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही कम लिमिटेड लोगों को एडमिट कर रहे हैं, उसमें मजा आता है, फिर एक एक से हम कनेक्ट जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, तो चीजें हमें थोड़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक बार हम मंथली में देखते हैं, मंथली में देखोगे तो आपका प्राइस 4 महीने से एक रेंज के अंदर है, ये 5वां महीना भी वैसे ही है। मंथली की अगर कैंडल्स को हम ध्यान से देखेंगे तो 4 महीने में 5वें महीने में भी इनसाइड कैंडल बनी है, या तो आपका प्राइस यहां से स्टार्ट होकर के मंथली की एक अच्छी कैंडल बनने वाली है। ये कैंडल कितने पॉइंट्स की आप अगर देखोगे, 18900 से लेकर 1900 कैंडल, 1000 पॉइंट की। तो क्या निफ्टी 21000 जाएगा दिसंबर में या फिर वापस यहीं आ जाएगा? हाँ, 1000 पॉइंट डाउन, अगेन एक रेंज की कैंडल बन सकती है, फिर पॉसिबल है ना भाई। 5 महीने से बने, 6 महीने और बन जाए, क्या प्रॉब्लम है, बन सकती है। यहां अगर देखोगे, इस सिनेरियो में देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 महीने साइडवेज रहा था, 9 मंथ साइडवेज रहा था, उसके बाद कहीं ब्रेकडाउन हुआ था, एक मूवमेंट वाली कैंडल बनी थी और बहुत अच्छा खासा साइडवेज रहा था। और मींस ये तो आपका ऊपर से सेलिंग आ रही थी, बॉटम से बाइंग आ रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी रेंज है ना, क्या है ये समझिए, इस प्राइस एक्शन के अंदर एंड इस प्राइस एक्शन के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस है ये जो रेंज थी बहुत ही नॉइज वाली एंड वोलेटाइल रेंज थी। क्या थी? बहुत ही नॉइज वाली एंड वोलेटाइल रेंज थी, एंड मैक्सिमम एरिया इट इज गार्बेज एरिया, कचरा है एक तरीके का देखा जाए, कुछ भी नहीं इसके अंदर, कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। इसमें कैसे ट्रेड करें वो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ क्लोजिंग बेसिस पे। तो ऐसे वाले जब आपके ऐसे वाइड मूवमेंट होते हैं, नैरो रेंज होती है, मीन्स आपकी वाइड रेंज होती है, वाइड मूवमेंट होते हैं, वीक ज्यादा होती है, ऐसे में ज्यादा आपको मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। मूव आता भी है तो पलट जाता है मार्केट दूसरी साइड, क्योंकि पहले से वो ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो हुआ, बट यहाँ पे जो करंट मार्केट सिनेरियो है वो डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट है? डिफरेंट क्या है कि रेंज जो है नैरो है ना, नैरो रेंज है, एंड नैरो रेंज के बाद हमेशा एक्सप्लोसिव मूव आता है एक्सप्लोसिव मूव, मींस वाइड रेंज एज ए वेव, मींस एक अच्छी वेव नीचे की तरफ या फिर एक अच्छी वेव ऊपर की तरफ आती है। ये एजुकेशन का पॉइंट हो गया। अब मार्केट कहां जाएगा हम उस पर भी बात करेंगे, इतना क्लियर है, क्योंकि अभी अभी मंथली की जो रेंज है वो नैरो रेंज है। अगर इस जो, अगर मान लीजिए 1-2 दिन में, आपका 3 दिन बाद 30 को आपका थर्सडे 30 को मार्केट क्लोज हो जाएगा, ये क्लोजिंग कहाँ आती है ये देखते हैं। बेसिकली इस क्लोजिंग के ऊपर का सारा एरिया सप्लाई जोन है, 3 दिन के बाद प्राइस की क्लोजिंग आ जाएगी, क्लोजिंग के बाद मार्केट
1,500 पॉइंट के लिए ऊपर निकलता है या फिर वापस नीचे 1,000 पॉइंट के लिए आ जाता है, जो कि पॉसिबल है कि दिसंबर में मार्केट के अंदर मूव आएगा, क्योंकि तो मार्केट एक रेंज के टॉप पे पहुंच गया है, एडवेज है ना, टॉप पे पहुंचता था नीचे आ जाता है, बॉटम पे पहुंचता था ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है तो एक अच्छे पॉइंट्स के लिए सेल करने की अपॉर्चुनिटी है एज ए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के अंदर भी, एंड ब्रेकआउट करता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है निफ्टी के अंदर भी एंड निफ्टी स्टॉक्स में भी स्विंग ट्रेडिंग करने की। ये रही वाली बात, मंथली चार्ट में ये सजेस्ट कर रहा है कि प्राइस एक नैरो रेंज है, उस एक इनसाइड कैंडल भी बन सकती है, उसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इतना क्लियर, ब्रेकडाउन तो खैर क्या होगा, लेकिन एक इनसाइड कैंडल बन जाएगी। अब यही चीज हम क्या देखते हैं, वीकली के चार्ट पे देखते हैं। तो वीकली के चार्ट पे क्या कह रहा है कि प्राइस जो है, ये जो इंपॉर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट है कौन सा वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है ये प्रीवियसली जहां से इस लेवल को आपका प्राइस क्लोज किया था वीकली में, क्या था क्लोज किया था, तो ये वाला मिस बेसिकली ओरिजिन तो ये होता है, बट ये वाला जोन आपका सेलिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है। ये बेसिक एजुकेशन है, बिकॉज ऑफ जोन के नीचे क्लोजिंग है, एंड ये वाला भी एक टर्निंग पॉइंट था इस टर्निंग पॉइंट के पैरेलल में, इसलिए मार्केट 2 वीक से यहाँ पे रुका हुआ। नंबर वन रीजन ये है, बात है एजुकेशन यही सजेस्ट करती है कि 2 वीक से मार्केट क्यों रुका हुआ है, कि एक जो ये टर्निंग पॉइंट था जहां से मार्केट गिरा था, एंड ये एक ये टर्निंग पॉइंट था जहां मार्केट ऊपर गया था, इस टर्निंग पॉइंट के नीचे ये क्लोज किया तो ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा रीजन है कि ये इसके पैरेलल में ये जो टर्निंग पॉइंट है वहां पे एक सप्लाई जोन भी है एक्सेप्शनल मार्किंग वाला। दूसरा रीजन ये है, इसलिए प्राइस टॉप से गिर रहा है, गिर रहा मींस उस एरिया में रजिस्ट कर रहा है एज ए ऐसे। आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपका प्राइस एक रेंज के अंदर क्या कर रहा है, रुका हुआ है, गिर रहा है। अब मैं आपको 2 चीजें सिखाता हूं, जब भी आपका नेगेटिव ट्रेंड लाइन का, जैसे आप वीकली पे देखोगे, वीकली पे अगर आप बॉडी टू बॉडी देखोगे इधर, तो नेगेटिव ट्रेंड लाइन का क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, जो कि ब्रेकआउट वाला एरिया कौन सा था, ये वाला। तो ऊपर की साइड ये आपका एक सप्लाई है, एक ये डिमांड है, बट ओरिजिन जो है ओरिजिन तो काफी नीचे है, ओरिजिन काफी नीचे है, बट मार्केट तो साइड में चलता है वीकली के बेसिस पे। ओरिजिन आपका अगर आप देखोगे तो ओरिजिन आपका बहुत बड़ा है, बट मैं इतने बड़े को काउंट ना करके मैं इसी को काउंट कर रहा हूँ एक्सेप्शनल मार्केट, लोअर टाइम फ्रेम में इसको रीएडजस्ट कर लूंगा। तो ओरिजिन जो डिमांड जो है आपका ये है, कौन सा वाला, ये वाला बात बताने वाला डिमांड जोन, किसका डिमांड जोन है, ओरिजिन डिमांड जोन वीकली का है, यहां से तो मार्केट उठ ही जाएगा। अब क्या होता है, जैसे अभी मैं इसकी ये जो प्राइस गया इसकी मैं ड्रॉइंग करता हूँ, प्राइस पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बनाया, प्राइस नीचे आया, नीचे जाने के बाद प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, क्लोजिंग दी, तो फ्यूचर में जब भी आप बाई करोगे तो ये वाला जोन आपके लिए अच्छा है, बिकॉज ऑफ आपका ये टर्निंग पॉइंट है वीकली का, एंड लोअर टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, कहां तक के लिए करोगे, नेक्स्ट सप्लाई तक के लिए। तो आपने इस जोन में अगर ट्रेड किया होता जोन में, तो आपको निफ्टी ने 4-5 पॉइंट दिए हैं, हमेशा देगा, क्योंकि है हाई टाइम फ्रेम का जोन। अब उसके बाद मार्केट क्या करता है, इस टर्निंग पॉइंट से पैरेलली फ्रेश एक सेलिंग आ जाती है, क्या आ जाती है, फ्रेश सेलिंग आ जाती है, मार्केट गिर जाता है, एंड मार्केट क्लोज भी दे देता है उसके नीचे, क्लियर है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, डिमांड सप्लाई तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो प्राइस बिहेवियर है ना, कि आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, तो ये एक एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वैल्यू एरिया है। प्राइस इस जोन पे अगर यहां पे जाता है तो 100% रजिस्ट करेगा, वन वे नहीं निकल जाएगा, क्लियर है, वन वे नहीं निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट 2 टर्निंग पॉइंट्स है जहां से मार्केट ने हमेशा रिएक्शन दिया है, इसलिए 2 वीक से मार्केट उस जोन को क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब 2 चीजें, इसके पैरेलल में ये वाला जोन है, तो यहां पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है तो वो साइन नॉर्मली ब्रेकआउट के होते हैं, कंसोलिडेट करता है
ब्रेकआउट कहते हैं। और अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है तो नेगेटिव वेव के होते हैं। इंपॉर्टेंट ये कि अब रजिस्टर कर रहा है एक रेंज में बना रखी, अब हम वेट किसका कर रहे हैं, कहां जाएगा, वेट कर रहे हैं हम क्लोजिंग का, किसका, कोई 15 मिनट की क्लोजिंग का थोड़ी वेट कर रहे हैं, 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा की कोई ट्रेडिंग थोड़ी होती है, ये तो नॉइज को 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटे को समझने में जितना हम एनर्जी एंड टाइम वेस्ट करते हैं, अगर हायर टाइम फ्रेम में समझने में लगा दिया तो उससे कम एनर्जी में हमारी काम बन जाता है। और एजुकेशन तो एजुकेशन सिक्वेंस में होती है, तो प्राइस यहाँ पे रजिस्टर कर रहा है, क्लोजिंग जो वेट कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि वीकली में तो ऐसा है। अब डेली अगर हम वीकली के क्लोजिंग यहाँ पे देखने जाएंगे तो 4 दिन का मूव मिस कर जाएगा जाएगा ना, वीकली का क्लोजिंग देखेंगे तो 5 दिन का मूव मिस हो जाएगा ऊपर या नीचे तक प्राइस जोन में पहुंच जाएगा, फिर ट्रेड कैसे हम तो स्विंग ट्रेड डे ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो फिर चार्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेली में। इतना समझ में आया? यस सर। ओके, हमने डेली में कन्वर्ट किया, तो डेली में कन्वर्ट किया तो प्राइस की क्या है, एक रेंज बन गई। अब देखिए रेंज क्या है, रेंज ये है कि प्राइस की अगर मैं देखूं यहां पे 4 दिन की एक लोएस्ट क्लोजिंग ये है, मैं थोड़ा अलग कलर से मार्क करता हूं, एक हाईएस्ट क्लोजिंग ये है, क्या 4 दिन से ना तो उसके ऊपर जा रहा है निफ्टी, ना तो उसके नीचे जा रहा है, सही है। एटलीस्ट डेली की अगर इस क्लोजिंग को अगर मैं देखूं तो मुझे 1 दिन की क्लोजिंग तो चाहिए डिसाइड करने के लिए, मेरे को वेट करना पड़ेगा कि अगले 4 दिन में क्या करने वाला हूं। अब मेरे को वेट ये करना है कि डेली की जो क्लोजिंग है या तो इसके ऊपर आ जाए अच्छी क्लोजिंग या फिर इसके नीचे आ जाए, ठीक है, मैं तो यही वेट कर रहा हूँ और करना भी यही चाहिए, इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है। अब ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है ना, मैंने आपको बताया कि ये भी आपका टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट, इसके इसलिए मार्केट यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। दिल्ली का बहुत अच्छा सप्लाई जोन भी है यहाँ पे है दिल्ली का, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया है, तो हमें यहाँ पे 3 रीजन है फ्रेश बाइंग एंट्री लेने के लिए, नहीं लेने के लिए यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं लेने के लिए 3 रीजन है कि हमें फ्रेश बाइंग नहीं लेनी चाहिए। फ्रेश अगर बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग करनी है कि निफ्टी को मैं लाइफ टाइम हाई वाले सप्लाई में देखना चाहता हूँ, फिर तो लाइफ टाइम हाई का सप्लाई तो क्या मतलब उससे ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लोज करेगा तो ये सप्लाई को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसके ऊपर जाएगा मार्केट, रीजन होता है क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लोज दे देगा, क्लियर है। अब मैं वेट किसका कर रहा हूँ कि डेली कैंडल जो है इस जोन के ऊपर अच्छी क्लोज हो जाए, 60-70% कैंडल क्लोज हो जाए, या तो ऊपर या नीचे, बात है ना, या तो ऊपर क्लोज हो जाए या नीचे क्लोज हो जाए, या फिर अगले दिन ही सेल करना शुरू कर दोगे, नहीं ना। अब ऐसा सिनेरियो बनता है, मान लीजिए अगले 4 दिन और प्राइस साइडवेज में ऐसे इसके अंदर रह सकता है, रह सकता है, और मान लीजिए कि क्लोजिंग दे दे प्राइस ऐसे ऊपर की साइड क्लोजिंग दे दे, मान लीजिए आपकी एक कैंडल डेली की ऐसे क्लोज होगी, क्या होगी तब की बात करें, और मान लीजिए ऐसी क्लोज नहीं होती, प्राइस की ऐसी क्लोजिंग आ जाती है नीचे की साइड, फिर अंडरस्टैंडिंग वाली बात क्या, क्लोजिंग तो आ गई, ये जो जितना भी 4 दिन से प्राइस जो एक साइड में चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, इनडिसीजन है, क्या है, मूवमेंट नहीं है, इनडिसीजन में है, तो प्राइस को ये 4 दिन जो कैंडल है वो सारी एक कैंडल के अंदर कैंडल है, वो सारी कैंडल क्या है, बेस कैंडल के ऊपर, अगर ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो ये आपका फ्रेश डिमांड बन जाएगा इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब एक कैंडल बनने से तो स्ट्रॉन्ग नहीं मानते ना, पूरा वेव के बाद मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों मान रहा हूँ, रीजन है बिकॉज ऑफ टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लोज दिख रहा है, टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लोज दे रहा है। अगर ये वाला सिनेरियो हुआ या फिर ऐसे रेड वाला हुआ कि आपका ये जो चारों कैंडल है ये मेरे लिए जब रेड कैंडल क्लोज हो जाएगा तो ये सप्लाई बन जाएंगे, क्योंकि इस इन डिसीजन के बाद डिसीजन आया, तो फिर मैं ट्रेड कैसे करूंगा, फिर अगर डेली के अंदर ऐसा हो गया तो ये आपका डिमांड जोन हो गया, हर 125 मिनट के जोन में टिप पे बाई करिए, 15 मिनट पे हर टिप पे बाई करते जाइए, कब तक, लाइफ टाइम के हाई के ऊपर तक, नेक्स्ट 1,000-1,500-2,000 पॉइंट के लिए, हो सकता है यहाँ से मार्केट 2,000 पे, फिर यहाँ के बाद फूला नीला आसमान है, कुछ वो टारगेट ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है ऊपर के, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है मार्केट तो ऊपर के कोई टारगेट नहीं है, हो सकता है न्यू वेब पे मार्केट आपको 22,000 दिख जाए, 23,000 दिख जाए, पॉसिबल है ना,
जैसे मैंने पीएफसी को बोला, मैंने कोई टारगेट नहीं दिया, मैंने बोला ब्लू स्काई जोन, उसके ऊपर ब्लू स्काई जोन है, बाइंग आती जाएगा, आपको लगे अब नहीं बाय करूं, अब नहीं बाय करूं, तो ये मौका है क्लोजिंग रहता है स्विंग ट्रेड करने का एंड अच्छे से एग्जीक्यूट करने का। ये नहीं होता है कमिंग डेज में, कमिंग वीक्स में ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा ना, हम क्या करेंगे, हर सप्लाई में सेल करते जाएंगे, 125 मिनट पे 125 मिनट की नेगेटिव वेव आएगी तो हर 15 मिनट पे सेल करते जाएंगे, पॉजिटिव वेव आएगी तो अवॉइड कर देंगे, नेगेटिव वेव स्टार्ट होगी फिर करते जाएंगे, कहां तक के लिए, यहां तक के लिए, यहां से फिर उठ जाएगा मार्केट, ये भी तो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है ना, इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, मार्केट यहां से उठ जाएगा, बेसिकली है तो रेंज में ना, तो मंथली कैंडल बताई थी ना कि 4 महीने से ऐसे चल रहा है, तो या तो एक कैंडल ऐसी बनेगी इस महीने की या फिर इसका ब्रेकआउट कर देगा तो खुला नीला आसमान न्यू ईयर के लिए, क्लियर है, पूरे दिसंबर मंथ का कंप्लीट एनालिसिस है विद एजुकेशन।